गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में मैं आप सभी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। छतगन, दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला विगत कक्षाओं में आपने पढ़ी थी, अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में स्थापत्य कला कैसे चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, अलाई दरवाजा, हौजे खास से लेकर के जमायत खाना मस्जिद, सीरी फोर्ट, सीरी नगर के संस्था का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था। छतगन, आज तुगलक वंश की इमारतें, तुगलक वंश की स्थापत्य कला हम लोग जानेंगे। हेडिंग बनाएगा अपने नोट्स कॉपी में, तुगलक वंश की स्थापत्य कला। तुगलक वंश की स्थापत्य कला, तुगलक वंश की स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, कला लिखिएगा, ग्यासुद्दीन तुगलक के कार्यकाल में स्थापत्य कला, कार्यकाल में स्थापत्य कला। ग्यासुद्दीन तुगलक के कार्यकाल में स्थापत्य कला लिखे, इसने दिल्ली में तुगलकाबाद शहर के इसने दिल्ली में तुगलकाबाद शहर की स्थापना की, स्थापना की तथा इसे इसे दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया था, सल्तनत की राजधानी बनाया था, सल्तनत की राजधानी बनाया था, बनाया था। नेक्स्ट, इसने तुगलकाबाद शहर में तुगलकाबाद का किला, तुगलकाबाद का किला एवं एवं रोमन शैली में, रोमन शैली में 56 कोट दुर्ग, 56 कोट दुर्ग, दुर्ग का निर्माण करवाया था, 56 कोट दुर्ग का निर्माण करवाया था। छतगन, क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी, ग्यासुद्दीन तुगलक ने। 56 कोट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, ग्यासुद्दीन तुगलक ने। कहां पर, तुगलकाबाद नगर में करवाया था। तुगलकाबाद कहां है, दिल्ली में है। छतगन ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है। छतगन, जैसा कि आप जानते हैं, नहर प्रणाली का जन्मदाता भी ग्यासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है, सिंचाई प्रणाली या नहर प्रणाली का, है ना। लिखिएगा, दिल्ली सल्तनत में, पहले भी मैं बता चुका हूं लेकिन फिर से लिखिए, पढ़ाई जितनी बार की जाए, दोहराई जाए, उतनी अच्छी होती है। दिल्ली सल्तनत में नहर प्रणाली का जन्मदाता, नहर प्रणाली का जन्मदाता, जन्मदाता ग्यासुद्दीन तुगलक था। नहर प्रणाली का जन्मदाता ग्यासुद्दीन तुगलक था। तुगलक था। अब लिखिएगा छतगन, मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्थापत्य कला, मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्थापत्य कला, कला लिखिए, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक ने
दिल्ली में आदिलाबाद का किला बनवाया था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने 12 खंभा महल का निर्माण करवाया था जिसे दिल्ली सल्तनत की प्रथम धर्मनिरपेक्ष इमारत इमारत कहा जाता है। नेक्स्ट, इसने जहां पनाह नगर नगर की भी स्थापना की थी छतगन ध्यान रखेगा, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में जो इमारतें बनी थीं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिलाबाद का किला छतगन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बना था, ध्यान रखिएगा, है ना। दिल्ली में आदिलाबाद का किला, पूछेगा आदिलाबाद का किला किसने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। छतगन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन दूसरा सवाल आपसे पूछेगा, आदिलाबाद किले के अंदर 12 खंभा महल किसने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। जहां पनाह नगर की स्थापना किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, ध्यान रखेंगे छतगन। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र इमारत जिसे धर्मनिरपेक्ष इमारत कहा जाता है कौन सी थी छतगन, या इमारत थी कौन सी, या इमारत थी 12 खंभा महल, है ना। किसने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था छतगन। 12 खंभा महल का निर्माता मोहम्मद बिन तुगलक था। तो छतगन, आदिलाबाद का किला, जहां पनाह नगर, 12 खंभा महल, इन सभी का निर्माता था मोहम्मद बिन तुगलक। छतगन, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा निर्मित की गई ये इमारतें अपने आप में विशिष्ट थी। विशेष तौर पर 12 खंभा महल को दिल्ली सल्तनत की पहली धर्मनिरपेक्ष इमारत कहा जाता है। पूछेगा दिल्ली सल्तनत का एकमात्र धर्मनिरपेक्ष इमारत कौन सा था, 12 खंभा महल, किसने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा छतगन, यह क्वेश्चन भी अपने आप में विशिष्ट है। इसलिए जहां पनाह नगर, आदिलाबाद का किला, 12 खंभा महल मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाए गए थे, इसे आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना। नेक्स्ट आएगा छतगन, फिरोज शाह तुगलक लिखेंगे, इसे बाग बगीचों एवं शहरों का निर्माता कहा जाता है। इसे बाग बगीचों एवं शहरों का निर्माता कहा जाता है इसने 1200 से भी ज्यादा 1200 से भी ज्यादा बाग बगीचे तथा 200 से भी ज्यादा 200 से भी ज्यादा शहरों का
शहरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, इसने दिल्ली सल्तनत में नहरों का जाल बिछा दिया था। इसने दिल्ली सल्तनत में नहरों का जाल बिछा दिया था। जाल बिछा दिया था। नेक्स्ट, इसने पांच सबसे बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। सबसे बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, इन पांच नहरों में सबसे बड़ी नहर दिल्ली में यमुना से हरियाणा के हिसार दिल्ली में यमुना से हरियाणा के हिसार तक फैली हुई थी। नेक्स्ट, इसने निम्न शहरों का निर्माण किया नंबर एक अपने भाई जौना खां की याद में जौनपुर शहर की स्थापना की। नंबर दो, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नामक शहर की स्थापना की, जहां वर्तमान में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम तथा इस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जिसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, करंट समय जो हम आपको ट्रेडिशनल जीके से कर दिया गया है। नेक्स्ट, इसने फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहपुर, हिसार इत्यादि शहरों की स्थापना की थी। नेक्स्ट, इसके शासनकाल में उत्तर प्रदेश के मेरठ तथा हरियाणा के टोपरा से अशोक के दो स्तंभ लेख
लेख दिल्ली मंगाए गए अशोक के दो स्तंभ लेख दिल्ली मंगाए गए तथा इसे सबसे पहली बार टी फैंथलर ने खोजा था तथा 1837 में अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहली बार इसे पढ़ा था। हाँ, कंप्लीट हो गया छात्रगण, वेरी गुड। नेक्स्ट दिग्दर्शन फिरोज शाह तुगलक, बाग बगीचों, फल फूलों का शौकीन शासक था। छात्रगण ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त रूप से आता है। नीचे में नोट लिख लेंगे, फिर मैं इसको समझाता हूं। लिखिएगा, तुगलक वंश की इमारतों में सादगी नजर आती है तथा लाल पत्थरों का उपयोग व्यापक पैमाने पर किया गया था। लाल पत्थरों का उपयोग व्यापक पैमाने पर किया गया था। लाल पत्थरों का उपयोग व्यापक पैमाने पर किया गया था। छतगन ध्यान देंगे, गुलाम वंश की इमारतें भव्य थी, लाल पत्थरों का उपयोग किया जाता था। छतगन खिलजी वंश की इमारतें ऐश्वर्य विलासिता से युक्त थी, ये भी भव्य थी, परंतु इनमें संगमरमर, बहुमूल्य रत्नों, बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया जाता था, ऐश्वर्य विलासिता नजर आती है। ध्यान देंगे छतगन, तुगलक वंश की इमारतें सादगी से परिपूर्ण थी, और इसमें भी सादगी नजर आती है, लाल पत्थरों का उपयोग मिलता है, सस्ते पत्थरों का उपयोग मिलता है। छात्रगण, है ना, जैसी अर्थव्यवस्था वैसी इमारतें देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके समय अर्थव्यवस्था अच्छी थी, जिसके समय धन संपदा काफी थी, वह उतना ही खर्च कर रहे थे। छात्रगण ध्यान रखिएगा, है ना। तो छात्रगण गौर कीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक को शहरों और बाग बगीचों का निर्माता कहा जाता है। पूछेगा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को बाग बगीचों का निर्माता कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को शहरों का निर्माता कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को शहरों का निर्माता भी कहा जाता है। छतगन ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का। छतगन, 200 से भी ज्यादा शहर और 1200 से भी ज्यादा बाग बगीचों का निर्माण करवाना आसान बात नहीं था। छतगन, फिरोज शाह तुगलक ने इस काम को अंजाम दिया था, है ना। छतगन, प्रमुख शहर जो इसने बनवाए थे, फिरोज शाह कोटला, जो कि दिल्ली में है, और दिल्ली में वर्तमान में कोटला के नाम से प्रसिद्ध है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम भी दिल्ली में है, जिसका नाम वर्तमान में अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, पूर्व वित्त मंत्री के नाम पर अरुण जेटली स्टेडियम। छतगन ध्यान देंगे, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर, हिसार, अपने भाई जौना खां की याद में उत्तर प्रदेश में जौनपुर शहर, इन सबों का निर्माता था फिरोज शाह तुगलक। छतगन,
1200 से भी ज्यादा बाग बगीचे इसने बनवाए थे। फलों का, फूलों का, बाग बगीचों का बेहद शौकीन शासक था, है ना, और खुद निरीक्षण भी करता था। छतगन फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में नहरों का जाल बिछा दिया। यद्यपि नहर प्रणाली की शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक ने की, सिंचाई प्रणाली की शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक ने की, लेकिन नहरों का जाल बिछाने वाला शासक कौन था छतगन? फिरोज शाह तुगलक था। इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा। छतगन दिल्ली सल्तनत में इसने 5 बड़े बड़े नहरों का निर्माण करवाया और उसमें सबसे सर्वाधिक विशाल थी दिल्ली के यमुना से हरियाणा के हिसार तक का नहर। दिल्ली के यमुना से हरियाणा के हिसार तक का नहर जो है वो सबसे लंबा नहर था छतगन, जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। 5 नहरें उसने बनाई थी सिंचाई के लिए, नहरों का जाल बिछा दिया था दिल्ली सल्तनत। पूछेगा किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में नहरों का जाल बिछा दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने, है ना, ध्यान रखिएगा। नहर प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन नहर प्रणाली का जाल किसने बिछा दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने बिछा दिया था। छतगन एक एक चीजों को गौर करें, एक एक चीजों को याद रखें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों का स्मरण करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है। पैनी निगाहें होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, मनन कीजिएगा और एक एक चीजों का अध्ययन कीजिएगा ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएं तो कहीं भी दिक्कत और मुश्किलों का सामना आपको नहीं करना पड़े। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा छतगन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हेडिंग बनेगा छतगन, सैयद वंश के समय स्थापत्य कला। सैयद वंश के समय स्थापत्य कला लिखिए। सैयद वंश के समय में मुबारक शाह ने दिल्ली में मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी। मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट, सैयद वंश के कार्यकाल में, तीर का निशान छतगन, सैयद वंश के कार्यकाल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई, विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। पूछेगा सैयद वंश के कार्यकाल में स्थापत्य कला अपने किस मुकाम पर थी? नंबर 1 सर्वोच्च मुकाम पर, नंबर 2 उत्कृष्ट मुकाम पर, नंबर 3 मध्यम मुकाम पर, नंबर 4 निम्न मुकाम पर। तो निम्न मुकाम पर थी छतगन। कोई विशेष उपलब्धि का कार्यकाल सैयद वंश का नहीं रहा। छतगन सैयद वंश के शासक मुबारक शाह ने मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है छतगन, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, मनन करना होगा और इसे याद रखना होगा। पूछेगा सैयद वंश के किस शासक ने मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी, है ना, तो मुबारक शाह ने मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, मनन करना होगा और एक चीजों को छतगन याद रखना होगा। यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी जबरदस्त रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, है ना। नेक्स्ट आइएगा छतगन, लोदी वंश के समय स्थापत्य कला लिखिए। हेडिंग बन गया छतगन हरा या लाल कलम से, लोदी वंश के समय स्थापत्य कला लिखिए। लोदी काल को मकबरों का काल कहा जाता है क्योंकि इस काल में सबसे ज्यादा मकबरे बनाए गए थे
मकबरे बनाए गए थे। नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में चार में की थी। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी लोदी के कार्यकाल में उसके वजीर ने मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया था। मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, लोदी वंश के कार्यकाल में दिल्ली में लोदी गार्डन का निर्माण किया गया था, जो मुगल गार्डन की तरह काफी आकर्षक है नेक्स्ट, लोदी काल के मकबरों की प्रमुख विशेषताएं निम्न थी। लोदी काल के मकबरों की प्रमुख विशेषताएं निम्न थी नंबर एक, यह बाग बगीचों के बीच में बनाई जाती थी नेक्स्ट, तीर का निशान यह नंबर दो लिखिएगा, यह ऊंचे चबूतरों पर बनाई जाती थी नंबर तीन, ये अष्टकोणीय या अष्टभुजाकार होती थी अष्टभुजाकार होती थी। नेक्स्ट, तीर का निशान, इन मकबरों से प्रेरित होकर मुगल शासकों ने भी बिल्कुल इसी तरह के मकबरे बाग बगीचों के बीच में बनवाए थे छतगन क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, इसलिए आपको उस पर पैनी निगाहें रखनी होगी, ध्यान देना होगा, मनन करना होगा,
और एक एक चीजों को याद रखना होगा। छतगन क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना कब की गई थी? 1504 में। छतगन यमुना नदी के तट पर आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की और इसे दिल्ली सल्तनत की नई राजधानी भी बनाया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। छतगन दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है, दिल्ली सल्तनत में मकबरों का जन्मदाता इल्तुतमिश को कहा जाता है। पहला मकबरा इसने सुल्तान गाड़ी का मकबरा अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था, जिसे आप जान चुके हैं। लेकिन छतगन यह भी ध्यान रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा जो मकबरे बनाए गए थे वह लोदी काल में बनाए गए थे, इसलिए मकबरों का काल कहा जाता है लोदी काल को, यह आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। पूछेगा दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश के कार्यकाल को मकबरों का काल कहा जाता है? लोदी वंश के कार्यकाल को मकबरों का कार्यकाल कहा जाता है। छतगन इसे भी आपको ध्यान रखना है, इसे भी मनन करना है, इसे भी स्मरण करना है, इसे भी याद रखना है। छतगन तीसरी बात जो आपसे पूछी जाएगी उसे भी ध्यान दीजिएगा, उसे भी याद रखिएगा, उसे भी गौर कीजिएगा, उसे भी मनन कीजिएगा। छतगन मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के वजीर ने निर्मित करवाया था, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, है ना। मोट की मस्जिद किसने बनवाई थी? सिकंदर लोदी के वजीर ने बनवाई थी, ध्यान देंगे छतगन। छतगन लोदी काल में जो इमारत मकबरे बनाए गए थे उसकी विशेषताएं क्या क्या थी, इसे गौर कीजिएगा। छतगन बाग बगीचों के बीच में ये मकबरे बनवाए जाते थे, नंबर एक। नंबर दो, ये मकबरे अष्टभुजाकार या अष्टकोणीय होते थे। नंबर तीन, ये मकबरे ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाते थे छतगन, और इन्हीं मकबरों से प्रेरित होकर मुगल शासकों ने भी अपने मकबरे बाग बगीचों के बीच ऊंचे चबूतरों पर बनवाए थे। चाहे बाबर का मकबरा आप देख लीजिए छतगन, अकबर का देख लीजिए, हुमायूं का देख लीजिए, शाहजहां का देख लीजिए, जहांगीर का देख लीजिए, औरंगजेब का देख लीजिए, सभी मकबरे बाग बगीचों के बीच में बनवाए गए हैं छतगन। चाहे मुमताज का मकबरा देख लीजिए, सभी बाग बगीचों के बीच में बनवाए गए हैं। ये किससे प्रेरित होकर के किए गए हैं? लोदी शासकों से प्रेरित होकर के किए गए हैं, लोदी वंश के मकबरों से प्रेरित होकर के किए गए हैं। पूछेगा दिल्ली सल्तनत में मकबरों का काल किसे कहा जाता है? लोदी का वंश के कार्यकाल को। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक मकबरे किस कार्यकाल में बने थे? लोदी वंश के कार्यकाल में बने थे। लोदी गार्डन किस वंश के शासकों ने बनवाया था? लोदी वंश के शासकों ने बनवाया था। लोदी गार्डन कहां है? दिल्ली में स्थित है। जैसे मुगल गार्डन दिल्ली में है, वैसे लोदी गार्डन भी दिल्ली में है। छतगन ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। छतगन लोदी वंश के मकबरों को देखकर किस वंश के शासकों ने अपने मकबरे बनवाए थे प्रेरित होकर के? मुगल वंश के शासकों ने बनवाए थे प्रेरित होकर के, ध्यान रखिएगा। इसे भी आपको ध्यान रखना है, इसे भी मनन करना है, इसे भी याद रखना है ना। तो लोदी वंश के इमारतों से, लोदी वंश के मकबरों से प्रेरित होकर के मुगल वंश के शासकों ने भी अपने मकबरे बनवाए थे। पूछेगा लोदी वंश के मकबरों में निम्नलिखित में किसे कौन सी विशेषता नहीं थी? नंबर एक, ये बाग बगीचों के बीच में बनवाए जाते थे। नंबर दो, ये ऊंचे चबूतरों पर बनवाए जाते थे। नंबर तीन, ये चतुष्कोणी या चतुर्भुजाकार होते थे। नंबर चार, इनमें से कोई नहीं। छतगन तीन नंबर गलत है, ये चतुर्भुजाकार या चतुष्कोणीय नहीं होते थे, ये अष्टभुजाकार या अष्टकोणीय होते थे, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। तो छतगन एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को याद रखें, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही हिट क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से आता है। तो यह है छतगन दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला और उससे जुड़ी हुई प्रमुख बातें। अगली कक्षाओं में छतगन हम लोग दिल्ली सल्तनत के साहित्य, प्रशासन, अर्थव्यवस्था के बारे में डिटेल्स और विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो कि आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में जबरदस्त रूप से पे करेगी, जबरदस्त रूप से आपको कारगर और आपके लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी, संजीवनी बूटी का काम करेगी, ध्यान दीजिएगा, है ना। तब तक के लिए आप सबों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद।